स्वागत है आपका हमारे चैनल डियर स्टडी पॉइंट में। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो आपका वीडियो जो अभी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको क्या करना है कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और आपको जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करो, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग अच्छा लेकर भी आएंगे और लेकर भी आ रहे हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या किए, क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं, आपका पजल बेस्ड आपका क्वेश्चन है और एक आपका डिफरेंट पजल, मतलब आपका पजल से हट के क्वेश्चन आपका लेकर आए। हम लोग देखते हैं पजल में लिखा क्या गया है। क्वेश्चन में आपका पजल में लिखा क्या गया है कि आपका 7 जो है वो फ्लोर वाला आपका एक बिल्डिंग है जिसमें आपका दो फ्लोर, दो आपका फ्लैट है, दो आपका क्या है फ्लैट है, 7 फ्लोर और दो फ्लैट, और दोनों फ्लैट का नाम दिया गया आपका ईस्ट विंग और आपका वेस्ट विंग करके दिया गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे फ्लोर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पे फ्लोर एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और ये आपका क्या होगा 1 होने वाला है। ठीक है, ये हम लोग फ्लोर यहाँ पे क्या करेंगे एडजस्ट कर देंगे। और जैसे ही एडजस्ट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्लोर हो जाएगा। ठीक है, ये वेस्ट वाला थिंग और ये ईस्ट वाला थिंग, यहाँ पे हम लोग वेस्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे ईस्ट करेंगे। है तो मेरे पास 7 ही फ्लोर, लेकिन मेरे पास टोटल आदमी कितने हैं 10 आदमी है, 10 को हम लोग एडजस्ट करना है, मतलब कुछ ना कुछ तो आपका वैकेंट होने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले लेते हैं, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी होगा तो सही है, अगर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में क्या लिखा गया, ये पहला वाला फिगर, ये आपका इधर आपका जो होने वाला है। चलिए, फिर क्वेश्चंस में आपका लिखा गया गया है कि 10 लोग हैं ए से लेके आपके जे तक एडजस्ट होने वाले। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस में है क्या, यहाँ लिखा क्या गया है कि बी लिव्स ईस्ट विंग, बी जो है आपका ईस्ट विंग में बैठ रहा है और जी के ठीक ऊपर वाले फ्लोर पे बैठ रहा है। ठीक है, बी जो है आपका, बी जो है आपका जी के ठीक ऊपर वाले फ्लैट पे बैठ रहा है और आपका क्या है कि ईस्ट वाला विंग में बैठ रहा है। जो बी बैठेगा, बी आपका यहीं से यहां तक, यहां से यहां तक बैठने वाला है और जी के ठीक ऊपर वाले वेस्ट विंग में आपका बैठने वाला है। फिर क्वेश्चन में आपका लिखा क्या है कि जी एंड जे लिव्स इन द सेम विंग्स, जी और जे जो है वो आपका सेम विंग्स में रहते हैं। ठीक है, देयर आर 4 फ्लोर बिटवीन जी एंड जे, मतलब आपका 4 फ्लोर है जी और जे के बीच में, है ना, ये आपका 4 फ्लोर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है, हु लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, मतलब जे जो है आपका वो टॉप फ्लोर पे बैठेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी तो श्योर बनना ही बनना है। ठीक है, अगर हम लोग जे को यहाँ लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ जी और जी के ठीक ऊपर बी होगा तो बी यहाँ भी, बी यहाँ भी, लेकिन बी के बारे में क्या लिखा है कि बी जब भी एडजस्ट होगा आपका तो ईस्ट वाला विंग में, तो बी आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे कि अगर अगर जे को यहाँ पे लेते हैं हम लोग 1 2 3 4, तो यहाँ जी और यहाँ क्या हो जाएगा बी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि देर आर 3 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑफ ए एंड एच। ठीक है, हु लिव्स द सेम फ्लोर एज द बी, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपका एच और ए के बीच में आपका 3 फ्लोर है, ये एच ऊपर ही रहेगा क्योंकि ए जो है, सॉरी ए जो है आपका ऊपर ही रहेगा और एच आपका क्या होगा नीचे रहेगा क्योंकि एच और बी का आपका फ्लोर जो है वो दोनों का बराबर है। ठीक है, तो यहाँ बी के सामने हम लोग एच रख लो फर्स्ट वाला पॉसिबिलिटी में, जैसे ही एच रखेंगे 1 2 3, यहाँ का भी ए एडजस्ट नहीं होगा तो ए आपका यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर यहाँ पे एच रखें तो 1 2 3, यहाँ का भी ए नहीं होगा तो कंफर्म ए आपका यहाँ आने वाला। मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है जिसको हम लोग को अरेंज करना है। ठीक है, आ रहा होगा समझ में मेरे हिसाब से। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन में फिर क्या लिखा है यहाँ पे कि सी एंड डी लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, सी और डी जो है आपका एकदम सेम फ्लोर पे बैठते हैं। ठीक है, तो सी और डी आपका जो है वो सेम फ्लोर पे बैठते हैं और सी जो है आपका वो ऑड नंबर वाले फ्लोर पे बैठता है, ये आपका बताया गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा, सी जो है वो आपका वेस्ट वाले विंग में ही होगा, वेस्ट वाला विंग में ही होगा, इसका मतलब डी आपका ईस्ट वाले विंग में होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, हु इज नॉट फर्स्ट फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे आपका नहीं होने वाला, मतलब आपका फर्स्ट फ्लोर पे नहीं हो रहा, तो मतलब यहाँ 3 यहाँ फूल है भैया, 7 यहाँ फूल है, बचा मेरे पास 5, फर्स्ट में तो होने वाला है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, कंफर्म यहाँ पे सी को रखेंगे, कंफर्म यहाँ पे डी को रखेंगे और यहाँ वाले में फर्स्ट में होगा नहीं, तो कंफर्म यहाँ भी सी जाएगा और यहाँ भी क्या आपका जाएगा डी जाने वाला है। तो इतना कंफर्म हो गया, मतलब ये आराम से मेरा बैठ चुका है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ नो फ्लोर हैज
बोथ फ्लैट बैकएंड, मतलब कोई भी सेम फ्लोर पे आपका दोनों फ्लैट बैकएंड नहीं है, ओनली टू फ्लैट इन द ईस्ट विंग आर वैकेंट, मतलब केवल आपका दो आपका फ्लैट जो है वो ईस्ट, ये इसमें वेस्ट वाले विंग में खाली है, केवल आपका दो फ्लैट, केवल आपका दो फ्लैट खाली है, ठीक है, केवल आपका दो ही फ्लैट खाली है, और जो दोनों फ्लैट है वो क्या है, एक के गैप पे खाली है, वेस्ट वाला का दो फ्लैट खाली है और दोनों जो फ्लैट है वो आपका एक के गैप पे खाली है, ठीक है। E lives above the floor of F. E lives floor the E lives above the floor of F, but below the I. मतलब क्या हो रहा क्वेश्चन में कि E जो है आपका वो F के ऊपर रहता है लेकिन I के नीचे रहता है। उसके बाद क्या बोला कि E lives above the floor of F, but below the floor of I. ये तो सही है। I and E जो है वो आपका lives on सेम विंग्स, मतलब आई और ई जो है आपका वो सेम विंग्स क्या है, सेम विंग्स पे आपका बैक है। तो कहना यही था कि मेरा पहला वाला पॉसिबिलिटी यहाँ, दूसरा वाला मेरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को देखना है तो क्या करना है, यहाँ पे यहाँ देखो दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में अगर यहाँ पे एफ हुआ तो ई यहाँ पे, ई जैसे ही यहाँ पे होगा तो आई यहाँ पे, क्योंकि ई और आई तो यहाँ बैठ नहीं सकता है, जैसे ही ई और आई यहाँ पे बैठेगा तो आपका वेस्ट वाला में दो आपका फ्लोर वैकेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ को जैसे ही यहाँ बिठाएंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये अल्टरनेट वाला फ्लोर तो ये वैकेंट सही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा फ्लोर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा वैकेंट हो जाएगा, जो होना मेरा कितना है, दो ही होना है, तो मेरा सेकंड वाला पॉसिबिलिटी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले वाले पॉसिबिलिटी पे आते हैं, हम लोग को क्या करना है, ये तो वैकेंट रहना ही है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये तो वैकेंट रहना ही है, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट पे है और दो आपका वैकेंट है, ये तो एकदम कंफर्म है, ठीक है। और अगर हम एफ को यहाँ रखेंगे तो एफ यही बैठेगा क्योंकि दो ही फ्लोर वैकेंट है और एफ के ठीक ऊपर मतलब कहीं ना कहीं आपका ई बैठा हुआ है और ई और आई जो है आपका वो क्या है, आपका सेम विंग्स में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ई को रखेंगे और यहाँ पे आई को रखेंगे, एफ से ऊपर में आपका ई है और ई से ऊपर आपका क्या है, आई है, मतलब ये दो फ्लोर आपका क्या हो जाएगा, वैकेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपका दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। तो फिर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, व्हाट इज द फ्लोर ऑफ फ्लोर नंबर ऑफ आई, आपका आई का फ्लोर नंबर क्या है, तो आपके आई का फ्लोर नंबर आपका हो जाएगा सिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन फ्लोर आई एंड डी, आपका आई और डी के बीच में कितना फ्लोर है, तो आई और डी, आई यहाँ पे आपका डी, आई यहाँ पे आपका डी है, तो एक भी फ्लोर नहीं है, एक भी फ्लोर आपका नहीं, आंसर हो जाएगा जीरो, ठीक है। हुआ द फ्लोइंग लिव्स इन द वेस्ट विंग, आपका वेस्ट वाले विंग में कौन रह रहा है, तो वेस्ट वाला विंग में आपका कौन रह रहा है, ए नहीं है यहाँ पे, सी है, सी है, उसके बाद आपका सी हो गया और आपका डी ई, डी ई तो ईस्ट वाला विंग में, तो ओनली सी आंसर हो जाएगा आपका, ई भी नहीं है आपका, ठीक है। चलिए फाइंड द वन ऑड वन आउट, आपका एक इसमें से ऑड वन आउट आपका फाइंड करना है, तो फाइंड द ऑड वन आउट, पहला क्या है, जे आपका, तो जे देखना है, जे यहाँ आपका सेवन पे है, ए आपका भी सेवन पे है, सी आपका फाइव पे है, एच आपका थ्री पे है और जी आपका टू पे, मतलब सारा जो है वो और नंबर पे बैठा हुआ, लेकिन जी है जो आपका आपका इवन नंबर पे बैठा हुआ है। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस रेस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इन द ऑर्डर कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच मैनर दैट टेक्स्ट दैट मेक्स द एक्सप्रेशन एस ग्रेटर एफ, ये डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, पहला कंडीशन है मेरा। दूसरा मेरा कंडीशन क्या है यहां पे कि टी ग्रेटर इक्वल्स टू क्या है एफ, एफ ही है ना, हाँ, ये मेरा डेफिनेटली क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। और आपका दिया गया है एक आपका स्टेटमेंट d-d-b-tu-f-s करके, ठीक, ये हो गया। चलिए तो हमको क्या करना है कि s और f के बीच में आपका ये s जो है वो f से बड़ा होगा, ये हमको ट्रू आपका
बताना है, ठीक है, और टी जो है वो एफ से बड़ा या बराबर है ये हमको गलत बताना है। तो यहाँ देखो, यहाँ टी है और यहाँ एस और यहाँ एफ भी अवेलेबल है, तो जब भी ये कंफर्म होगा एस और एफ के बीच में तो सिंगल सिंबल है, तो ये सिंगल ही होने वाला है ऐसा, तो हम लोग यहाँ पर सेटिस्फाइड हो लेंगे। फिर हम लोग ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे, ऐसा ऑप्शन है किसमें, ऑप्शन आपका पहले में भी, दूसरे वाले में, तीसरे में भी, और आपका चौथे में भी ऑप्शन दिया गया, बड़ा कंफ्यूजन है। दूसरा आपका क्या है कि ये जो आपका टी और एफ के बीच में है, तो टी और एफ के बीच में मतलब यहाँ और यहाँ आपका जो है वो क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, है ना, गलत आपका सिंबल होना चाहिए, तभी ना आपका टी और एफ का रिलेशन क्या होगा, गलत होगा। तो गलत होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो फिर आपका ये अपोजिट सिंबल होना चाहिए पहला, ठीक है, आपका फिर दूसरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे दूसरा आपका होना चाहिए कि या तो ऐसे रहे और आपका ऐसे रहे, तब ये गलत हो सकता है, ठीक है, दूसरा, तो यही दोनों में से आपका कोई ना कोई सिंबल यहाँ पे होना चाहिए। तो ऐसा वाला हम लोग ऑप्शन ढूंढेंगे कि ऐसा वाला ऑप्शन किधर है। तो ऐसा वाला ऑप्शन देखिए, डी नंबर वाला ऑप्शन मेरा क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, कि एक में आपका लेस ग्रेटर है, टी ग्रेटर यू और यू ग्रेटर इक्वल्स टू एफ, ठीक है, तो ये आपका दिया गया कंफर्म। तो हम लोग फोर्थ वाला ऑप्शन अगर फिलअप करते हैं तो ग्रेटर इक्वल्स टू ग्रेटर, और तो हमको इतना सही मतलब है ना, और आगे से तो हमको मतलब है, क्योंकि मेरा दो ही सेटिस्फाइड करना है, पहला वाला सही, दूसरा वाला आपका गलत सेटिस्फाइड करना है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, देखेंगे टी और एफ का, ये क्या बोला कि टी जो है वो एफ के बराबर भी हो सकता है और एफ से बड़ा भी हो सकता है, तो कन्फर्म है कि टी यहाँ भी हो सकता है और टी आपका यहाँ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जिसको हमको गलत करना है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका गलत होना चाहिए, मतलब टी जो है वो एफ से बड़ा भी होगा और टी जो है वो एफ के बराबर भी होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ये वाला आंसर आपका डी नंबर के हिसाब से क्या है कि टी जो है वो यू से बड़ा है और यू जो है वो एफ से बड़ा है या फिर एफ के बराबर है, मतलब किसी भी कंडीशन में आपका टी जो है वो एफ से बड़ा ही होगा, मतलब ये तो गलत हो गया, नहीं तो बड़ा और बराबर ढूंढ रहा है, और यहाँ पर फॉर्म बता रहा है कि जब भी होगा तो क्या होगा, बड़ा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जिसमें आई होप कि मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड और काफी छोटा क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन वाला। इस क्वेश्चन में आपका लिखा क्या गया है कि देयर आर थ्री जनरेशन इन अ फैमिली ऑफ 10 मेंबर, मतलब आपके 10 लोगों का 3 जनरेशन है और उसमें आपका 3 कपल है पूरे फैमिली में, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका दिया क्या गया, अब मान लो कि आगे 3 जनरेशन है, मतलब एक ऊपर एक बीच में और एक नीचे जनरेशन होगा, मेरा 3 जनरेशन का क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं लाइन टू लाइन और देखते हैं क्या लिखा गया है। एल इज आर्स ग्रैंडफादर, मतलब एल जो है वो आर का ग्रैंडफादर है, कंफर्म देख लो क्या कि आर जो है वो एल जो है वो आर का ग्रैंडफादर है और एन जो है वो एम की क्या है, डॉटर है, ठीक है, इतना कंफर्म किया गया। फिर कंफर्म किया गया है कि पी एस इज द बीज नीस, मतलब एस जो है वो पी की या तो भतीजी है या फिर आपकी भगिनी है, ठीक है। फिर बोला क्या गया है कि क्यू जो है वो टी की माँ है, ओ जो है वो आर के पिता है, यू जो है वो एम की क्या है, ये एम के ग्रैंड डॉटर है, कौन, यू, मतलब यू आपकी फीमेल हो जाएगी। लिखा लास्ट में एक लाइन लिखा है क्लू के रूप में कि एवरी कपल हैज सन एंड डॉटर, मतलब जो भी आपके कपल होंगे उसके क्या होंगे, सन और डॉटर होने वाले हैं, ठीक। मान लो कि यहाँ एक कपल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो इसके भी सन एंड डॉटर होंगे, ठीक, यहाँ भी सन एंड डॉटर होंगे, और 3 कपल है और 3 क्या है, कपल है, तो 3 कपल जैसे ही होंगे यहाँ पे, 3 कपल जैसे ही होंगे तो 1, 2, 3 कपल हो जाएंगे, और 3 कपल होंगे और प्रत्येक कपल का एक सन है और एक क्या है, डॉटर है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस कपल के तो एक सन एंड डॉटर यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ भी एक कपल है तो यहाँ भी एक सन एंड डॉटर क्या होगा, एडजस्ट होगा। अब देखो छोटा सा क्रिकेट में छोटा सा हम दिमाग लगाए हैं क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग क्या हो गए, एडजस्ट हो गए, एक कपल दो बच्चे, मतलब टोटल कितने लोग होंगे आपके, 10 लोग होंगे। चलिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा गया है कि एल इज द
आज ग्रैंडफादर मतलब एल जो है वो आर का क्या है दादाजी है, आर के क्या है दादाजी, मतलब कन्फर्म है कि तीन जनरेशन का बात है भैया, दादाजी का बात हुआ तो सबसे ऊपर दादाजी रहने वाले, तो दादाजी है कौन एल कन्फर्म, मतलब यहाँ कोई फील है। और जब भी आर होगा तो यही दोनों जगह में से कोई एक जगह होने वाला है, जब भी आर होगा तो यही दोनों जगह में से क्या होने वाला है, कोई आपका एक जगह होने वाला है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आपसे लिखा क्या यहाँ पे कि एन जो है वो एम की क्या है डॉटर है, एन जो है वो एम की डॉटर है, और छोटा सा एक लाइन नीचे भी देखिएगा क्या कि यू इज द एम्स ग्रैंड डॉटर, मतलब यू जो है वो एम की ग्रैंड डॉटर है, तो एम की ग्रैंड डॉटर मतलब एम या तो दादा या तो दादी कन्फर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ये लिखा गया है तो एम कन्फर्म ये होगा यहाँ पे, क्योंकि एम जो है वो ग्रैंड मदर ही लगेगी क्योंकि ग्रैंड फादर तो ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। और एम की बेटी कौन है यहाँ पे, एम की बेटी हो जाएगी एन, जैसे ही यहाँ बेटी तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में लिखा है यहाँ ओ इज यूज अंकल, मतलब यू के अंकल कौन हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, एन इज द एम्स डॉटर, मतलब एम की डॉटर आपकी एन है, इतना कंफर्म हो गया है। और एल जो है वो एम का हस्बैंड हो जाएगा, और एल और एम का एक सन भी होगा, एक डॉटर तो ऑलरेडी हो चुकी है, जब इधर इधर सन होगा तो इसकी वाइफ हो जाएगी, इधर अगर डॉटर होगी तो इसका हस्बैंड हो जाएगा, इतना तो मेरा यहाँ पे कंफर्म बन चुका है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि S is the P's niece, मतलब S जो है वो P की या तो भगिनी है या फिर भतीजी है, तो P की भगिनी या भतीजी होगी यहाँ पे, कन्फर्म यहाँ दिया गया है। और Q जो है वो T की माँ, जब भगिनी होगी तो कन्फर्म मेरा जो है वो P यहाँ बैठने वाला है, और जैसे ही P यहाँ बैठेगा तो या तो S यहाँ ले लो या तो S, दोनों जगह में से बात बराबर है, और यहाँ पे फीमेल हो जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा एक मेल हो जाएगा। जब भगनी बोला है तो हम यहाँ खड़े हैं, मेरी बहन, बहन की बेटी मेरी क्या रहेगी, भगनी लगेगी, जिसको हम लोग नीस बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, क्यू इज द टीज मदर, मतलब टी की माँ कौन है, क्यू है, टी की माँ कौन हो जाएगी, क्यू, अब टी की माँ हो जाएगी क्यू, तो क्यू फीमेल होगी, और जब भी फीमेल होगी तो माँ है तो सेकंड जनरेशन तो कन्फर्म है, जब ये सेकंड जनरेशन कन्फर्म है तो माँ तो यहाँ नहीं होने वाली है, तो माँ जब भी होगी तो यहाँ होगी, और जब भी क्यू यहाँ तो टी यहाँ कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, क्वेश्चन में आपसे बोला क्या, ओ इज द आर्स फादर, मतलब वो जो है वो आर के पिताजी है, आर के पिताजी है, तो भैया पिताजी यहाँ भी फूल है, पिताजी यहाँ भी फूल है, पिताजी यहाँ बाकी है, तो वो यहाँ कन्फर्म हो जाएगा, जब वो यहाँ कन्फर्म हो जाएगा तो आर यहाँ कन्फर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, ओ इज यूज अंकल, मतलब यू के अंकल जी कौन होने वाले हैं, ओ, जब ओ यू के अंकल होंगे तो यहाँ यू कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। चलिए उसके बाद लिखा है यू इज द एम्स ग्रैंड डॉटर, मतलब एम की ग्रैंड डॉटर कौन है, तो एम की ग्रैंड डॉटर हो जाएगी यू, जैसे ही यू यहाँ ग्रैंड डॉटर, तो ये आपका जनरेशन हो जाएगा, मतलब एक मेल फीमेल आपका चलता रहेगा, तो वन टू थ्री आपका कपल, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, यहाँ भी एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल हो रहा है, तीनों आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला कि हु इज द यूज फादर, यू के पिताजी कौन है, तो यू के पिताजी कौन हो जाएंगे, आंसर में आपका हो जाएगा। फिर आपका लिखा है कि हु इज द आर सिबलिंग, मतलब सिबलिंग में सगा होता है, सगा भाई सगा बहन कुछ भी हो सकता है, सगा भाई या फिर सगा बहन नहीं हो सकती, मतलब सगा भाई बहन दोनों हो सकता है, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो आर का सिबलिंग यहाँ पे कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, हम द फॉलोइंग इन पेयर आर द मेल मेंबर इन द फैमिली, ठीक है, ये हम लोग ऑप्शन के हिसाब से ढूंढेंगे, और फैमिली में बोलेगा तो फैमिली में एक दो तीन चार पांच मेल मेंबर, अब इन सब में से नाम किसका दिया गया हमको ऑप्शन में हमको देखना पड़ेगा, तो ऑप्शन में नाम है आपका टी और आर का, मतलब थर्ड जनरेशन के बारे में, लास्ट वाले जनरेशन के बारे में आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो टी और आपका आर क्या हो जाएगा, वो आपका मेल मेंबर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा आपको कोई ऐसा क्वेश्चन।
बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपका एक ही नंबर का, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कोडेड इनएक्युरेटी का, ठीक है। वो कंडीशन ऑफ इधर और वाला केस हम लोग सुने होंगे हमेशा, तो उसका आपका क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछ देता है या फिर मेंस हो या फिर आपका पीटी हो। तो जो भी आपका मेंस या पीटी के रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन होगा आपको, खासकर अभी मेंस का, उसका हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लो, क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए स्टेटमेंट आपको देगा, यहाँ से एक स्टेटमेंट देगा क्या कि ए ग्रेटर बी लेस देन सी, ठीक है, पहला वाला। और दूसरा वाला ये कंक्लूजन दे रहा है, ये यहाँ पे कंक्लूजन देगा आपका, ठीक है, कंक्लूजन देगा। कंक्लूजन में लिखेगा ए ग्रेटर लेस देन, सॉरी ए ग्रेटर इक्वल टू सी और फिर आपका ए लेस देन सी। तो हम लोग सोचते क्या है कि यहाँ पे हमेशा क्या होगा, कंडीशन ऑफ इधर और होना चाहिए, कंडीशन ऑफ इधर और इधर नॉर होना चाहिए, दोनों में से आपका होगा कौन, ठीक है। तो हम लोग एक चीज पढ़े थे क्या कि यहाँ पे कंडीशन ऑफ इधर और होगा कब, जब आपका दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हो। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपका ए आपका सब्जेक्ट के रूप में हो ही हो और आपका सी आपका ऑब्जेक्ट के रूप में ही हो। अगर सी सब्जेक्ट हो जाएगा ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिर भी चलेगा, बस अर्थे वो वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, गलत होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग पढ़े हैं क्या ये, तो अगर यहाँ पे हम लोग कंडीशन ऑफ इधर और में पढ़े होंगे क्या कि ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी होगा तो पहला वाला क्या हो जाएगा ए ग्रेटर बी और दूसरा वाला हो जाएगा ए इक्वल्स टू बी आपका, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे कि ए जो है या तो बी से बड़ा होगा या फिर ए जो है वो बी के बराबर होगा, ठीक है, या तो बी से बड़ा या फिर बी के बराबर होने वाला है। तो या तो लग गया मतलब ऑलरेडी इसका आंसर क्या हो जाएगा थ्री, तो इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखो दोनों बराबर है, ठीक है। अगर इसमें हम बी इज इक्वल टू ए बी कर दे फिर भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि या तो हम आपसे बड़े या आप हमसे छोटे हैं, बात तो दोनों बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है आपका कि ए ग्रेटर बी या फिर बी इज इक्वल टू ए या फिर ए इज इक्वल टू बी, दोनों बात आपका बराबर है, तो यहाँ आपका कंडीशन सब इधर और हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि कितने लोग का अगर ऑप्शंस में दिया गया हो यहाँ पे, क्योंकि अगर दूसरा कंक्लूजन लेते हैं यहाँ पे तो ए लेस देन बी हो जाएगा या फिर ए इक्वल्स टू बी या फिर बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो इसमें कितने लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसका आंसर आपका दोनों काट कर थ्री लगा देते हैं, क्योंकि पता होता है कि ए जो है स्टेटमेंट आपका यहाँ पे दिया गया है ये जो है बी से बड़ा है और बराबर, तो या तो आपका छोटा बड़ा हो सकता है फिर बराबर हो सकता है, बस आदमी सिंबल गौर नहीं करता, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट सिंबल दिया गया, अपोजिट सिंबल दिया गया, ये क्या किया गया है ए जो है वो बी से बड़ा है लेकिन ए जो है यहाँ पे बी से क्या है छोटा, इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा फोर। अब क्या है कि आपका अपोजिट सिंबल दिया गया है तो आंसर चार होगा, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि अगर इसका आंसर चार होगा तो इसका भी आंसर चार होगा क्योंकि ये भी आपका बीच में अपोजिट सिंबल दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर हमेशा क्या होगा थ्री होगा, हमेशा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि ए और सी में कोई रिलेशन नहीं होगा, देखने से ही पता चल रहा है आपको कि आपका ए और सी वाले में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ए जो है वो बी से बड़ा और बी जो है वो सी से छोटा या फिर बराबर है, तो ए और सी का हम लोग रिलेशन नहीं निकाल सकते। एक बात थोड़ा सा ध्यान देकर बताना आपको, थोड़ा सोचना क्या कि मान लो हम किसी जगह दो आदमी गए, हम और आप, ठीक है, तो ना हम आपको जान रहे हैं ना आप हमको जान रहे हैं, ठीक है, तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, या तो हम आपसे बड़े होंगे या तो फिर छोटे होंगे या फिर क्या होंगे बराबर होने वाले, तीन ही कंडीशन है, चौथा तो कोई और कंडीशन नहीं होने वाला है, या तो बड़े होंगे या तो ग्रेटर होंगे या तो लेस देन होंगे और या तो क्या होंगे इक्वल्स टू होंगे, तो यही तीन कंडीशन है, या तो बड़ा या तो छोटा या तो बराबर, मतलब तीनों कंडीशन या में आ रहा है। जब आपका तीनों कंडीशन या में आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या ये जो है वो सी से बड़ा है, ए जो है सी के बराबर है या ये जो है सी से छोटा है, क्योंकि तीनों कंडीशन आपका या में आ रहा है, तो इसका आंसर इसका कितना हो जाएगा आपका थ्री हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, एक बात हम ये और बताना चाहते हैं कि जब भी ये स्टेटमेंट में शॉर्टकट ट्रिक याद कर लीजिए, छोटा सा बात है कि जब भी आपका स्टेटमेंट में अपोजिट सिंबल रहे, जब भी आपका स्टेटमेंट में क्या रहे अपोजिट सिंबल रहे, तो कंक्लूजन में तीनों सिंबल होना चाहिए, मतलब ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू होगा तो आपका कंडीशन ऑफ इधर और लगेगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू सी, स्टेटमेंट दिया है पहला वाला है ए ग्रेटर सी, दूसरा वाला दिया गया ए इज इक्वल टू सी, कंफर्म है कि यहाँ ए जो है वो सी से बड़ा तो है, ठीक है, और ये बराबर भी है क्योंकि बराबर का सिंबल यहाँ भी है, बराबर का सिंबल यहाँ भी है, दोनों
का कैंसिल कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या इस यही वाले स्टेटमेंट पे पहला वाला कंक्लूजन दूसरा वाला कंक्लूजन, पहला वाला सी और इससे ठीक पहले हम बताया था ऐसे एग्जांपल आपको कि ए जो है जब भी होगा तो बी से बड़ा होगा या फिर सी से बड़ा होगा। यहाँ छोटा कैसे हो सकता है, जब ये छोटा हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, क्योंकि जब भी अपोजिट हो तो आपका तीनों सिंबल कंक्लूजन में अवेलेबल होना चाहिए। तो आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। हम लोग क्या करेंगे फिर 10 क्वेश्चंस का नेक्स्ट सेट लेकर आ रहे, इसमें आपका पजल सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और जितना हो सके आप इसको शेयर करें। थैंक यू।